हेलो। अरे केशव पानी आ रहा है क्या? नहीं आया। नहीं आया? नहीं। थोड़ा ही थोड़ा टपक रहा है यार। टपक रहा है। कब आएगा यार, मालूम ही नहीं है। हेलो, कौन? अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? यार आपसे 2 मिनट चाहिए, वाटर टैब में पानी ही नहीं आ रहा। एक से प्लम्बर को कॉल, प्लम्बर करेगा, यहाँ क्यों कॉल कर रहा? क्यों उन लोग को दिक्कत दो यार, इंसान सडम से भी पानी पानी होता है। दो शब्द कुछ दिक्कत दे रहा है, दो शब्द कुछ बोल दो जिससे मेरे को सडम आए और पानी पानी है। कैसे पानी आया भैया? नहीं आया, जल्दी भेजो। हेलो, कैसे अंदर फंसा है ना शौचालय में? अबे टट्टी करने गया क्या वो? हाँ, 2 दिन से पानी नहीं आया, सडम से पानी पानी हो जाएगा तो अंदर से बाहर आ जाएगा। जाकर साफ कर दो। मैं यही कह रहा हूँ, अगर आप कुछ दो शब्द बोल दोगे जिससे मुझे सडम आ जाए। तेरे को इतनी गालियाँ देती, तेरे को शर्म नहीं आती? उसमें तो आपको शर्म आनी चाहिए, आपके घर वालों। मुझे क्यों शर्म आएगी? जो गंदी बात बोलते हैं सडम उसको आनी चाहिए। प्लीज कुछ बोल दो जिससे, प्लीज एक बात। आज चल तेरे को कहानी सुना। हाँ सुनाइए। सडम आएगी ना इससे? बिल्कुल शर्म आएगी, तेरे को बहुत शर्म। करिए करिए। केशव भैया आया पानी? नहीं आया। अरे केशव से बोल थोड़ी देर और रुक जा, 2 दिन से हग रहा तू थोड़ी देर। अच्छा जल्दी बताइए, अब मान ले तेरी शादी होगी, ठीक है? एक सेकंड, थोड़ा सडम तो आ ही गया। पानी आ जाए, वाओ, शादी शादी की बात से ही पानी आ जाए। सडम अब तो और आगे सुन ले, अभी और पानी आएगा। बराती आए, बराती चले गए और तू बैठा अपने रूम पे। दूल्हन का दूध का गिलास दिया तेरे को दूल्हन ने, दूध का गिलास, ठीक है? ठीक है, दूध पिया तूने, ठीक है? उसके बाद तूने लाइट ऑफ कर दिया। एक सेकंड, ये तो बाढ़ आ रही है। आगे क्या हुआ, जल्दी बोल। धीरे से दुल्हन के पास जाकर तूने उसकी घूंघट उठाई। घूंघट उठाई? तूने देखा वो दुल्हन की जगह दूल्हा है, लौंडा है। हाँ, ये क्या कहानी हुई? कोई कहानी यार, ये तो चला गया पानी। पानी आया ना, थोड़ा बहुत आया होगा। थोड़ा बहुत आया, बस गाड़ी बस कर दो, बाढ़ आ जाएगी तुम्हारे घर में, इतना शर्मिंदा हो जाएंगे। केशव पानी आया? नहीं आया। ये ले 2 बूंद गंदगी की, सॉरी। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन? डिस्टर्ब तो नहीं किया भाई साहब? जी मैं कह रहा हूँ डिस्टर्ब तो नहीं किया? नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा था। तो डिस्टर्ब नहीं? हाँ बताइए, किस लिए बात करनी है? बात इसलिए करनी है, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है भाई साहब? दुश्मन तो काफी हो जाते हैं, इंसानों में भी हो जाते हैं, शरीर में अंदर दुश्मन हो जाते हैं। हाँ, शरीर के अंदर का दुश्मन मैं बताता हूँ, इतना ज्यादा गुस्सा। मुझे बता मेरे से क्या काम है? आपसे काम ये था कि जैसे अगर किसी आदमी को गुस्सा आ रहा है तो उसको 20वें फ्लोर पर 25वें फ्लोर पर इतने ऊपर पे घर नहीं लेना चाहिए, क्यों? अच्छा अच्छा, हाँ ये तो बीवी से झगड़ा हो गया, गिर गया ऊपर से, तो दिक्कत तो है। हाँ दिक्कत तो है, लेकिन देखो गिरने में दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर वो आदमी गुस्से में ऊपर से नीचे गिरा, हाँ, और थोड़ा हेल्दी हुआ, हाँ, तो नीचे हो जाएगा एक बड़ा गड्ढा। गड्ढा? एक मिनट, मेरे साले एक बात बता तू। हाँ, मतलब वो आदमी मर रहा तो गड्ढे के लग रही है? मेरी बात तो सुनो, वही तो बोले ना, हम तो दुआ करेंगे कि उनको बस हाथ पैर टूटे, सर फूटे, जान न जाए, जान न जाए, हम तो दुआ करेंगे। लेकिन अगर गिरेंगे तो गड्ढा तो डेफिनेटली होगा ना भाई साहब? तो गड्ढा हो गया, गड्ढा होगा तो बड़ी सोसाइटी में ही गड्ढा हुआ है, क्योंकि 25 फ्लोर की बिल्डिंग बड़ी सोसाइटी में होगी। अच्छा, हाँ। और सपोज आदमी नया नया शिफ्ट हुआ है दिवाली के टाइम, और दिवाली के दिन ही अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? लोग कहेंगे दिवाली के दिन भी इसे बनवाओ, नगर पालिका को बुलाओ। अब दिवाली के दिन नगर पालिका वाले की छुट्टी है, उसको जबरदस्ती आप बुलाओगे, उसकी छुट्टी खराब होगी, गड्ढा भरने आया है वो। अच्छा, मेरी बात सुनी। और अगर नगर पालिका वाले भाई साहब यहाँ गड्ढा भरने आए हैं तो वहाँ घर पे दिवाली के दिन उनका बेटा अकेले पटाखे जला रहा है, तो पटाखे से अगर वो जल गया तो उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पापा, एक मिनट, उसके पापा यहाँ काम कर रहे हैं, वो अकेले पटाखे जला रहे, उसके हाथ में जल गया, उसको अस्पताल ले गए, अस्पताल में डॉक्टर जो डिस्पेंसरी बंद करके घर जाने की कोशिश कर रहा है, इस मरीज की वजह से, इस लड़के की वजह से उसको रुकना पड़ेगा। अच्छा, उसकी अलग दिवाली खराब हुई, उसकी बीवी उसको बुला रही थी डॉक्टर की कि आओ साथ दिवाली बढ़ाएंगे, उसका तलाक का नौबत आ सकता है कि तुम, तलाक होगा, पेपर फाइल होगा, वकील लगेंगे, जज लगेंगे, अदालत खुलेगी। अरे एक बार बता तू, बता दिला मुझे क्यों गुस्सा दिला रहे हो? देखो मैटर, एक आदमी के गुस्से की वजह से इतना पूरा समाज हिला पड़ा है। सुबह सुबह कोई काम नहीं आता, जज से लेके डॉक्टर, वकील से लेके नगर पालिका को बुलाओ। भाई एक सेकंड, आपको भी गुस्सा आ रहा है, आप भी 25वें फ्लोर पे मत लेना। हाँ।
السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذہن میں اگر یہ بات تازہ ہو تو حکومت ہندوستان کے دارالحکومت نئی دلی شہر سے میں بہو انوش ورما رہنے کی کوشش کر رہا تھا. تو وہی ہے نا جو اس دن پہلے بھی فون کیا تھا. آپ یہ غلط اگر لفظوں کا اس پہ قابو نہیں رکھیں گے تو برائے مہربانی مجھے مفید حکومت پاکستان کے ظالم اکثر بے پناہ فون کیسے کرا تو آپ لوگوں نے کل میچ ہمارے ساتھ جو کھیلا ہے. ایک بات ہوگا میچ میں دونوں ٹیمیں جیتتی ہیں کیا, ایک تو ہارتی ہے نا. ہاں تو ہم نے تھوڑی کہا, ہم تو وہی کہہ رہے نا, آپ نے ایک اہم ٹاس جیتا ہے, سکہ اپنے گھر لے گئے ہیں, اس ایکسٹرا آمدنی ہوئی ہے جس سے آپ کی موسمی پیداوار بڑھی ہے, جی ڈی پی جس کو کہتے ہیں انگریزی میں. سکھانے کے لیے فون کو تو آپ اگر غلط لفظوں پہ قابو نہیں کریں گے تو ہندوستان اور پاکستان کے بیچ جو مسلسل میچوں کو مقرر کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے جناب, ایک معلومات کے تحت آپ کو میں طالب اکثر کہہ سکتا ہوں. طالب اکثر؟ ہیلو, میرے لفظ پر قابو کرنے کی کوشش نہ کریں, آپ وہ سمجھیں جو آپ کو ایکچولی سمجھنا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو ہمارے اوپنرز کو آپ نے زیادہ دیر تک پچ پہ رہنے دیا جس کی وجہ سے کوہلی, آپ نے ہمارے اوپنرز کو اتنی دیر تک آؤٹ نہیں ہونے دیا جس کی وجہ سے کوہلی دیر آیا اور وہ سینچری نہیں مار پایا, یہ آپ کی اچیومنٹ میں سے ایک ہے ماشاء اللہ. دیکھیے آپ سارے بلے بازوں کو بیٹنگ ملی ہے, ہمارے تو تین چار ہی کھیل پائے, یہ بھی ایک حکومت پاکستان کا ایسا دور ہے. برائے مہربانی لفظوں پر قابو رکھیں ورنہ میں وہ پھینک کے ماروں گا جس سے آپ کو سب سے زیادہ درد ہوگا. اتنے عرصے کے بعد ایسا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے چین اور امریکہ جیسے ملکوں سے مدد نہیں مانگی, شکست تو ہوئی ہے لیکن اپنے بلبوتے پر شکست کھائی ہے. مائی گاڈ, ظالم مفید مرید مطلوب بڑائے مہربانی لفظوں پر قابو. اور میں یہی کہہ رہا تھا جہاں بحال مستی مکند رنجس بحال ہجرا میں سارے دیا. 93.5 ریڈ ایف ایم بجاتے رہو بہوا بول لو. ہلو. Hello. Oh, very strong voice, I must say. Hello. Yeah, style also. Kaun? Namaste ji, bahua bol le uncle. Bahua kaun? Main. Main kaun? Wo aap jane, aap kaun? Are to wahi to pooch raha hai, phone kyu kara hai? Phone isliye ki main ek minute aap se chahiye. Main keh raha tha India aur New Zealand ka semi final hua hai aadha, kyunki barish ne layi hai badha. Batao aadha paada kaun paada? Bhaiya مجھے یہ بتانا. سوری, میں یہ کہہ رہا ہوں یہ میچ برسات کے ہونے کے باوجود بھی ہو سکتا تھا, بتاؤں کیسے؟ کیسے؟ ایک ٹیم ہے ہندوستانی اور دوسری ٹیم ہے نیوزی لینڈی. نیوزی لینڈی؟ ہاں. کہاں سے نام نکال رہا ہے نیوزی لینڈی کیا؟ ایک سیکنڈ, ان کی نیوزی لینڈی ٹیم میں ہے راس ٹیلر, اس کے وجہ سے یہ میچ میں بادھا ہوئی, وہ چاہتا تو ہیلپ کر سکتا تھا ہماری. پوچھو کیسے؟ کیسے؟ وہ اگر کرکٹ چھوڑ کے اپنا اوریجنل سر نیم سے جسٹیفائیڈ کام کرتا, یعنی ٹیلر ہوتے اگر وہ بھائی صاحب پریکٹیکلی, تو ایک بڑا سا ترپال سل دیتے جو ہم اوپر ایسے بچھا دیتے, جتنی برسات ہوتی اس سے پانی ڈھڑک کے نیچے گر جاتا باہر کے سائڈ گراؤنڈ پہ. بھائی کہاں مطلب, غلط بول رہے ہیں آپ. کیا چاہتا ہے تم اس سے؟ ویسے اگر وہ ٹیم میں ہے تو اچھا بھی ہے, پتا ہے کیوں؟ کیونکہ اگر ان کی ٹیم ہار گئی, یعنی اگر نیوزی لینڈی ٹیم ہار گئی تو پھر ان کی پھٹے گی. پھٹنی بھی چاہیے, اچھی سے پھٹنی چاہیے. تو پھر سلنے کے لیے راس ٹیلر صاحب تو ہیں, مطلب میں یہ کہہ اے گیری بھائی صاحب. دیکھ سن, پہلے میری بات سن, ایسا ہے اب سب سے پہلے تو میں تیری پھاڑوں گا. کیوں؟ اور پھر راس ٹیلر کو بلوا کے پہلے تیری سلواؤں گا پھر گا. اور دماغ میرا خراب کریے نا, دوبارہ فون کریے بھائی صاحب. راس ٹیلر بھی سل نہیں پائے, غلط انسان ہے آپ. بات کر رہے 93.5 ریڈ ایف ایم بجاتے رہو انکل, نمستے بہوا بول رہے ہو, انڈیا میچ جیتے گا. ہیلو. کون جی؟ بھیا جی نمستے. کون؟ میں بہوا بول رہا ہوں. ہیلو, کس سے بات کرنی ہے بھائی؟ آپ ہی سے کرنی ہے, کئی لوگوں سے کرنی ہے, پورے جہان سے کرنی ہے, پر کچھ لوگ ایٹیٹیوڈ پھینکتے ہیں. آپ جیسے کئی لوگ کم ہوتے ہیں جو بات اٹھ کے فون اٹھا کے بات سنتے ہیں. کیا بات کرنی ہے بھائی؟ میں کہہ رہا تھا کہ انڈیا اتنا اچھا کلچر ہے, اتنی اچھی جگہ ہے گھومنے پھرنے کے لیے, الگ الگ جگہیں ہمارے. ابھی دلی کے بغل میں لے لو متھرا آگرہ. میری بکواس سننے کا اتنا ٹائم نہیں ہے, کام کیا ہے, کس لیے کال کر رہا ہے یہ بتا. سوری, میں گندا مت بولیے. میں کہہ رہا تھا سپوز دلی کے اگل بغل گھومنے کو اتنا کچھ ہے, جیسے سپوز متھرا, کوئی متھرا جاتا ہے تو ہم اس سے کیا منگواتے ہیں؟ پیٹھا منگواتے ہیں. پیٹھا نہیں, پیڑھا. پیٹھا کہیں اور سے, پیٹھا کہاں سے منگاتے ہیں؟ آگرہ سے. آگرہ سے پیٹھا, متھرا سے پیڑھا.
हैदराबाद कोई जाता तो हम कहते हैं मसाला ले आना बिरयानी का, है कि नहीं? तू बोलता होगा हाँ, आगे हैं? और अगर आप लखनऊ जाओ तो लोग कहते हैं कबाब ले आ सको तो कबाब ले आना, ठीक है वहाँ फेमस है तो भाई फेमस है तो यही प्रॉब्लम है। आप लोग ने फेमस के चक्कर में ना टूरिज्म को बर्बाद किया है। अबे टूरिज्म कहाँ से बर्बाद होगा, मैं बता रहा हूँ, अगर कोई मथुरा से आपके लिए पेड़ा लाएगा तो आप मथुरा क्यों जाओगे? मथुरा क्यों जाएंगे भाई, कोई जाएगा यही तो एक से नहीं, यहाँ आके आप पेड़ा खा लेते हो। अगर कोई नहीं लाता आपके लिए तो आप झक मार के मथुरा जाते पेड़ा खाने। पेठा आप आगरा से मंगवा लेते हो, अगर कोई बोलता जा मैं नहीं ला रहा, जा मैं नहीं ला रहा पेठा, आप मेरे से बोलो कि पेठा लेते आना, बोलो एक बार पेठा लेते आइयो भैया, मैं नहीं ला रहा, जाके मुंह उठा के वहीं जाके खा लेना, तब फोन करके देगा। अब तेरी जली ना, जली ना तेरी, काम धंधा है। अब तू खुद जग मार के आगरा जाएगा पेठा खाएगा, मैं नहीं ला रहा तेरे लिए पेठा, बात गलत बोल रहे। देखो मैं तो बात कह रहा था, आप मना करोगे तो लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ की चीजें खाएंगे, घूमेंगे, टूरिज्म को बढ़ावा है। तो फिर इस तरीके से तो दिल्ली में तो हेलो हाँ बोल बोल, दिल्ली में क्या फेमस है जो आप किसी को खिलाने चाहोगे? डंडा फेमस है भाई दिल्ली में। डंडा मतलब क्या करेंगे आप डंडे का? डंडे का समझ ले भैया, डंडा कहाँ जाता, पीछे जाता डंडा, मतलब पीठ पे मारेंगे डंडे से, पीठ पे नहीं पीठ से नीचे। अच्छा कमर पे डंडे से आप मारेंगे? कमर से भी नीचे भैया। अच्छा जांघों पे आप डंडा घुमा देंगे? अब जांघों के ऊपर भी तो कुछ आता है। अच्छा कमर पे आप डंडे से मारेंगे फिर से? गलत आदमी, हमारे यहाँ तो इससे कपड़ा फैलाते हैं, बस कपड़ा फैला ले अपनी, बस अब गलत आदमी। चीची इतना बोला इन्होंने 93.5 रेड एफएम, बहुआ बोल रहे हो, बजाते रहो अंकिल नमस्ते। हेलो मैं बहुआ अंकिल नमस्ते, एक मिनट चाहिए था आपसे। हेलो मैं से बात करनी थी इसीलिए फोन लगाया। क्या देखो सही मिला है तो नहीं मिला? फोन सही मिला है, घंटा सही मिला है। नहीं सुनो आप बात कर रहे ना, अरे नाम तो मेरा ही है। नहीं तो आपसे मैं यही कह रहा था। क्या कह रहा था? जब आपको फोन लगाया था मैंने, सही के बाद बात हो रही है। अरे वो सुन एक तो बात ही ले ले, नहीं तो बात ही कर ले। आप गलत क्यों बोल रहे हैं? गलत क्यों बोल रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। हाँ जब कोई इंसान कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना आपके बैंक से जुड़ा हुआ, सुनो ऐसे देता है कोई, कौन मैनेजर लग रहा है तू? आपका बैंक में अकाउंट है ना? हाँ तो लास्ट 3 डिजिट 783 है, तो उस अकाउंट के ट्रांजैक्शन में भाई साहब के बाद कट गए हैं। क्या कट गया? जो आप है ना? हाँ हूँ मैं पंजी, और मेरे अकाउंट से तेरा क्या लेन देन है भाई? कौन बोल रहा है? जो 78 में अकाउंट है ना आपका, सेविंग और करंट दोनों इसी में है। हाँ तो करंट की बात नहीं करूँगा, सिर्फ सेविंग की बात करूँगा। तो क्या कट गया उसमें से? नहीं उसका 783 लास्ट डिजिट है ना। हाँ तो हाँ हाँ तो तो बोल रहा हूँ, तभी तो पूछ रहा क्या हो गया लास्ट ट्रांजेक्शन उसमें। अरे वो सुन एक तो बात ले ले, नहीं तो बोल ले। हेलो आप या तो गलत बोल रहे या फोन में रख देता हूँ। अरे मेरे अकाउंट से कर लेना देना तुझे, तो वही था तो पहले तो हाई से बात करो भाई साहब, बड़ी इज्जत से बात करो, हम आपके नौकर नहीं लग रहे यहाँ पे। नौकर नहीं लग रहे, फोन तो तूने करा, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कर रहे, आप खुद बात कर लो फिर बैंक से, हमसे क्या लेन देन है इसका? बता 783 एंड में ना आपका अकाउंट का, तो जब लास्ट 10 बार बोलूंगा क्या, वही तो है लास्ट ट्रांजेक्शन जब आपने किया था। हाँ तो एक सेकंड एक्सक्यूज मी, तो हेलो तो पता नहीं क्या बता दिया अकाउंट में क्या हो गया। मैं कह रहा था अकाउंट का जब भी आप ट्रांजैक्शन करने के बाद चेक कर लिया करो कि क्या है, चेक करिएगा, कर लूंगा चेक में, पता नहीं क्या बता रहा नई बात है ना। और एक काकड़ी चीज बोल रहा हूँ, हेलो गंजी बात कर रहे 93.5 मतलब बजाते रहो अंकिल नमस्ते। हेलो शायद सो रहे हैं भाई साहब जी। नहीं जी नहीं रेड हूँ नहीं, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते नमस्ते आपको, हेलो आपको आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। कह रहा था एक पूछना था आपसे। हाँ हाँ सही समय हो गए? अरे जल्दी बोल, थापड़ मारूंगा पे, फोन किया काम न था। सॉरी आपकी आवाज धीमे आ रही है, सोते हुए आ रही है जरा सा। हाँ तो सो ही रहा हूँ। आपको एक पूछ रहा था। हाँ कि अगर अगर क्या? मैं हाँ आपके हाँ सामने, अरे बोल ना, हग दूँ तो हाँ
प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर मैं आपके सामने हग दूं? गलत आदमी, गले लगाने वाले हग की बात कर रहा था। इंग्लिश में बोलना चाहिए। नहीं, आवाज से औकात का पता चलता है ना। फोन गलत नहीं, तू सो के तू देश के लिए अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है, उठेगा तो खराब करेगा कुछ। दिमाग खराब कर रहा है। गलत बोल रहा है, हग बोल रहा हूँ तो। गलत आदमी, ची ची बोल रहा है। आप भी पूरे दिन यही चेक करिए आज कि हग दे बोलने पर कितने लोग उल्टा समझते हैं। We need to change the mentality of the pupils. 93.5 Red FM बजाते रहो। Happy Hug Day। दिमाग में वही आया आपके भी, ची यार। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। कौन नमस्ते? नमस्ते तो कौन थोड़ी होता है, नमस्ते तो संबोधन होता है। मैं बउआ बोल बोल रहा है, बता चुका हूँ। मैं आपसे एक मिनट लेना चाह रहा हूँ। होली के बाद से लेकर अब तक दो चीजें नहीं बदली हैं, एक तो कान और नाखून पे जो रंग लगा है वो, दूसरा मोबाइल के अंदर इतने सारे मैसेज, जिफ्स, वीडियोस पड़े हुए हैं। तो मैं क्या करूँ? गलत बोल रहे हैं, मैंने कुछ बोला आपको? मैं कह रहा हूँ आपके में पड़े होंगे। अरे तो तू कौन बोल रहा यार मेरे मैसेज के? मैं कह रहा हूँ कि इसमें से कौन सा मैसेज हटा दूँ, कौन सा रखूँ जो आगे काम आए। जैसे देखो ये मैसेज आया, हमेशा मीठी रहे आपकी बोली, खुशियों से भरे आपकी झोली, आपको हैप्पी होली, ये रखूँ डिलीट कर दूँ? एक सेकेंड, एक और मैसेज आया है, रंगों की ना हो कोई जात, वो ले आते हैं खुशियों की सौगात, हाथ से मिलाते रहो हाथ, होली का मुबारक हो त्योहार। इसमें तो राइमिंग भी नहीं हुआ, इसको डिलीट कर देता हूँ भाई साहब, क्या लगता है? डिलीट कर या कुछ कर दूं, हमें भी एक और सुनो, ये वाला सुनो। वृंदावन की सुगंध, बरसाने की फुहार, राधा की उम्मीद, कान्हा का प्यार, मंगल मैं हूँ आपका होली का त्योहार, ये रखूं डिलीट करूं? हाँ ये रख ले, राधे राधे। ओ वाह, वेरी गुड, धार्मिक तो हो थोड़ा सा, है ना अंदर से। हाँ बोल। ये बताओ, ये रखूं कि छोड़ दूं? इस बार क्या मनाऊं होली, वो तो किसी और की होली। एक सुनो ये, देखो ये बहुत लंबा आया है, लाल गुलाबी रंग है झूम रहा है संसार, हेलो। हाँ। सूरज की किरण, खुशियों की बहार। हाँ क्या है आगे? मुबारक हो आपको होली का त्योहार। नहीं अभी तो और है, लाल गुलाबी रंग झूम रहा है संसार, सूरज की किरण, खुशियों की बहार, चांद की चांदनी, अपनों का प्यार, पिचकारी की धार, गुलाब की बौछार, ना हो आप पे कभी उधार, ना पड़े घर में कोई बीमार, ऐसे ही बढ़ता रहे आपका मेरा प्यार, ना हो किसी चीज के लिए कभी आप लाचार, ना पड़े कभी आपको पुलिस की मार। एक सेकंड, ना मिले सब्जी तो खाएं अचार, शरीर चाहे जैसा भी हो शुद्ध रहे विचार, ना मिले धोखा सिर्फ मिले प्यार, मुबारक हो आपको होली का त्योहार। कैसा, इसको रखू डिलीट करू? लंबा सा है। इसे तो पक्का अपने बाल ले, तेरे काम आएगा। एक आखिरी सुनो, आपको भी आया होगा। गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा है, सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है, मुबारक हो आपको होली का त्योहार, हमने ही आपको पैगाम भेजा है, बताओ इसको? अरे ये गुलशन की कौन है? गुलशन क्या हुई? गुलशन को क्या बोल रही? इसमें गुलशन का क्या लीजिए? ये गुलशन होली पे भी आता है, रक्षाबंधन पे भी आता है, दिवाली पे भी आता है, कौन है गुलशन? सही कहा आपने, दिवाली पे भी आया था। गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा है, सितारों ने सलाम भेजा है, मुबारक हो आपको दिवाली का त्योहार, हमने ये पैगाम भेजा है, यही राखी पे भी आया था। गुल ने गुलशन को गुलफाम भेजा था, सितारों ने आसमान से सलाम भेजा था, मुबारक हो राखी का त्योहार, हमने ये पैगाम भेजा था। अरे गुलशन की भी, और तू भी बात गलत बोल रहा है आप, बात करता है चीची। हेलो, बात कर लिए मुझसे मेरे भाई? कौन बोल रहा भाई? बात कर, मैं तेरे सामने बैठा हूँ। अबे कर तो रहा हूँ, कौन बोल रहा है आ भाई? हेलो, नहीं आपसे नहीं बोल रहा हूँ अंकिल, मेरा भाई सामने बैठा उससे बोल रहा हूँ। तो पहले जिसको फोन मिला है उससे बात कर ले, फिर उससे बात कर लियो अपने भाई से। बउआ बोल रहा हूँ। तो फिर गंदा नहीं बोलिए, मेरा भाई फिर भी नहीं बोल रहा कुछ, बोल यार। तूने कोई हरकत करी होगी तभी नहीं बोलता है वो, गुस्सा होगा तेरे से? गुस्सा नहीं है, ही इज वेरी स्वीट। अबे तो स्वीट है तो बोल ही नहीं पा रहा है वो, बोल ही नहीं पा रहा है। तो डॉक्टर के पास लेके जाओ। डॉक्टर के पास ले गए थे, डॉक्टर ने भी उसे चाटा। चाटा मारा? चाटा मारे नहीं, चाटा स्लर्प स्लर्प। क्या डॉक्टर जो चाट रहा है? नहीं नहीं, माय ब्रदर इज वेरी स्वीट इसलिए चाटा। अबे मेरी बात करा उससे अपने भाई से, कौन है तेरा भाई? बोल पा रहा वो
बेटा। हाँ मम्मी। क्या हुआ? बात ही नहीं कट रही है बेटा। मम्मी से बात करा अपनी। क्या हुआ बेटा, कौन बोल रहे है? अरे तो तुम्हारा बेटा परेशान कर रहा है। इतना भोला है ये बउआ। मम्मी सामने बोरी में शक्कर भरी है 50 किलो, उसको लिपट लिपट के रोता है बउआ। अरे कहता है भाई है मेरा भाई, बताओ। अरे कर दो ना, एक और भाई चक्कर से लिपट के रोता रहता है, एक भाई कर दो। बेटा हम मेरे अकेले की बस की बात थोड़ी है। मैं इसको लिपट के रोता हूँ, इसे भाई कहता हूँ, पता है क्यों? क्यों? बॉडी में क्या है 50 किलो? अभी तुम्हारी माँ ने बताया शक्कर है। शक्कर है? हाँ। शक्कर को क्या कहते हैं? शक्कर को चीनी कहते हैं। चीनी भी कहते हैं ना। मैं कैसे बात कर रहा हूँ आपसे, किस लैंग्वेज में? हिंदी में कर रहा है। और किस में कर रहा है वो? हिंदी में करेगा। तो मैं हिंदी। हाँ। बॉडी में चीनी। हम दोनों क्या हुए? गधे की हिंदी चीनी भाई भाई। अरे तेरी हिंदी चीनी भाई भाई गंदा बोला। मैंने बोला था इज वेरी स्वीट। अरे तेरी। हेलो, कट गई आवाज। हेलो, कौन बोल रहे हैं? जी बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो दीपक बोला आपके फेसबुक फ्रेंड हैं, परसों जिसके साथ बाइक पे जा रहे थे आपने वीडियो डाली थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। भाई साहब शानदार वीडियो थी, लेकिन आपने हेलमेट नहीं पहना था। वो यार वीडियो बनाते वक्त उतर गया होगा थोड़ी देर के लिए। ये क्या बात होगी भाई साहब, बाइक तो चल रही थी ना, हेलमेट तो पहनना चाहिए कि नहीं? भाई है कौन बोल? मैं नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। देखो ऐसा है ना, हेलमेट जरूरी क्यों है मैं लोगों को बता रहा था। अच्छा, मेरे को क्यों बता रहे फिर? देखो सेफ राइड जरूरी है, पुलिस वालों से बचना भी जरूरी है। समझ रहा हूँ। गर्लफ्रेंड के माँ बाप भी नहीं पहचान आपका है? शादी हो गई गर्लफ्रेंड? क्या है? हाँ है, हो गई है। क्या हो गई है? अबे बात में तेरे को क्यों बताऊँ, मेरी शादी हो रखी है। प्लीज यार एक सेकंड, आपका गंजापन छुप सकता है हेलमेट से। गंजापन? गंजापन गंजा देखो, गंजा दिख रहा हूँ मैं। कई फायदे हैं, गाड़ी खराब होने पर आप उसको स्टूल बनाइए, उसी पे बैठ जाइए जब तक पिंचर वाला नहीं आता। अच्छा, उसको उल्टा कर दो हेलमेट को, तो उसमें आलू टमाटर भर सकते हो आप, झोले का भी काम करता है। सेल्फ डिफेंस में आप चला सकते हो उसे, पद्मावत देखने जाओ तो लगा के जा सकते हैं, क्योंकि पत्थर और डंडा पड़े तो बच सकते। इंश्योरेंस वाले का भी आप फायदा करते हो हेलमेट से। कैसे? कैसे? अगर आप टपक गए, खत्म हो गए, उन लोग का बेचारों को पैसे देना पड़ेगा। अच्छा, तो मत मरो ना यार, क्यों उन लोग को बेचारों को पैसा खराब करोगे? नहीं वाइफ है यानी आप, शादी हो गई है ना आपकी? हाँ होगी है। सब कुशल मंगल चल रहा है यार? बढ़िया है? नहीं बढ़िया नहीं चल रहा कुछ भी, बता क्यों? मतलब क्या हुआ? क्यों बताऊँ तुझे? प्लीज मतलब क्या कर क्या लेगा तू? फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हो, क्या हुआ? झगड़े होते हैं? हर किसी में होते हैं भाई, ठीक चल रहा है जैसे भी चल रहा है। होते हैं कि नहीं? हाँ या ना, होते झगड़े? हाँ होते हैं। आप अगर हेलमेट नहीं पहनोगे ना, तो किसी और आदमी की जिंदगी में भी फ्रस्ट्रेशन आ सकते जैसे आपके आया। पूछो कैसे? कैसे? आप हेलमेट नहीं पहनोगे, एक्सीडेंट हुआ, सॉरी थोड़ा रूड साउंड करेगा, ब्लंट साउंड करेगा, पर एक्सीडेंट हुआ, हेलमेट नहीं पहना, आप टपक गए। सुनो फिर, शादी को कितने साल हुए आपके? 3। ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, भाभी जी यंग भी हैं, अब आपके लिए रुकेंगी थोड़ी, आगे बढ़ेंगी हैं? हेलो, अब तो लिमिट क्रॉस कर रहा है वो, किसी और से शादी करेंगी? अपने किसी और से शादी? वो आदमी भी फ्रस्ट्रेट होगा जैसे आप हो रहे। तो कौन रखेगा नहीं रखेगा? आप हेलमेट लगाओगे या नहीं लगाओगे? मैं किसी और को फ्रस्ट्रेट होने से बचाना आप जब बात। हेलो। हाँ कौन? बउआ बोल रहे भाई साहब डबल से। कौन? मेरे मामा। कौन? मैं कह रहा था मेरे मामा जी बड़े अकेले हैं, बुलाते हैं लेकिन मैं जाता नहीं क्योंकि मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। अबे भाई कौन सी बातें कर रहा है, बोल रहा? कई लोगों को बता रहा था, क्या कहते दुख बांटने से कम होता है, इसलिए आपसे ही बांट रहा हूँ मैं, ऐसे फोन लगा। एक मिनट सुन लो, क्या है ना उनके घर में पंखा नहीं है, इसलिए मैं गर्मी की छुट्टी में उनके यहाँ जाता नहीं। अच्छा, क्योंकि पंखे के चक्कर में उनकी शादी नहीं हो रही है। पूछो कैसे? 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 क्योंकि ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी। अबे हो गया क्या भाई, क्या हो गया? एक सेकेंड, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे दाना नहीं, नाना गए दिल्ली, वहाँ से लाए बिल्ली, बिल्ली ने मारा पंजा और मामा हो गया। अबे गंजा हो गया। और तब से जो भी लड़की वाला आता है उनको रिजेक्ट करता, कहता आपके बाल ही नहीं है, बताओ अब मैं क्या करूँ। वो दुखी बेचारे पंखा नहीं लगवा रहे, दुखी है, तकलीफ हो गई उनको, शादी नहीं हो रही उनकी। हेलो भाई साहब क्या करे बताइए, मामा जी बेबी के ले ले।
विग ले ले विग। देखिए लॉजिक तो लगाना ही नहीं है आपने, लॉजिक की पोटली बना लीजिए फिर आगे आपकी मर्जी। दे दे फिर आपकी आपके सर के बाल की कसम इतने इज्जत से कभी किसी ने चीच नहीं बोला। ये क्या बोला आपने पोटली? अबे तू शर्मिंदा हो गया भाई साहब है ना। 93.5 रेडियो पे हम बजाते रहो, पर मेरे बाबा के लिए कोई लड़की दिखे तो प्लीज बता देना। हेलो हेलो अंकल जी नमस्ते। कौन जी? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ हाँ कौन बउआ? बुआ नहीं वो फूफा जी की है। मैं बहू। हेलो एक मैं कह रहा था लोग थिएटर रंगमंच कलाकार तो लोग एक्टर बनना चाहते हैं लेकिन भूल जाते हैं सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। क्या है? हेलो ये इतना हॉर्न कोई बजा रहा है तुम उसको दो ठो नहीं बजा सकते यार? अरे बजा रहा उसकी बजा दे यार तेरी क्यों। सॉरी तो मैं कह रहा हूँ जिसकी मंजिल है एक्टर बनना उसके लिए क्या जरूरी है मैं बताता हूँ। क्या जरूरी है? चप्पल। जिसको बनना उसको बताना मेरा क्यों सर? आप नहीं मैं बता दूँ। देखो सुन लो अगर आपको कोई पूछे कि मेरे को बनना है एक्टर बनना है तो उसको बता देना चप्पल जरूरी। कैसे? सुन लो एक मिनट लगेगा। हेलो सर बता बता। सपोज आपकी मंजिल है एक्टर बनना, एक्टर बनने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल करने के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा। अच्छा घर से निकलने के लिए आपको चप्पल की जरूरत है तो यहाँ सबसे पहले चप्पल आया। अब ध्यान देना चप्पल पहन के आप कहीं जाओगे, कहीं जाओगे तभी कहीं पहुँचोगे, कहीं पहुँचोगे तो लोग पूछेंगे कहाँ से आए हो, तब आप बोलोगे घर से आया हूँ। बोलेंगे किसके घर से? आप कहोगे पापा के घर से। फिर लोग कहेंगे पापा? आप बोलोगे हाँ पापा का घर, जिनको वो घर उनके पापा ने दिया यानी दादाजी ने। पापा दादा नाना मामा जा रहा है जल्दी तो फिर आप बोलोगे दादाजी ने घर दिया है पापा को। दादा तो सौरभ गांगुली भी है। हेलो हाँ हाँ बोल। वो कलकत्ता से है, कलकत्ता में रसगुल्ला फेमस है। रसगुल्ला आप तब बांटते हो जब आप खुश होते हो। खुश कब होते हो? जब आपको आपकी मंजिल मिल जाए। लेकिन आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए चप्पल पहन के जाना पड़ेगा। और आपकी मंजिल क्या है? एक्टर बनना। कभी आप गलत एक्टिंग करोगे, गंदी एक्टिंग करोगे थिएटर पे तब लोग वही चप्पल फेंक के आपको है ना। नहीं तो वही चप्पल तेरी डाल देंगे। चप्पल कर रहा है आपको बोल कर अच्छा लग रहा है लेकिन आप कुछ कर नहीं पाओगे ऐसा। कर क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको घर से निकलना होगा और घर से निकलने के लिए आपको अरे चप्पल चाहिए होगी। मैं जूता पहन के निकलूंगा। फोन काट रहा हूँ मैं चप्पल से। चट जी मतलब बोलते जा रहे रख भी नहीं रहा है। 93 पर हेलो अंकिल जी नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ, दो मिनट चाहिए ज्यादा समय नहीं लूंगा। कौन बोल रहा है? मैं बउआ नाम बताया, कान में प्रॉब्लम है बताइए ENT वाले का नंबर। अंकल जी हो ना, मैं तो कान में प्रॉब्लम होती है। सॉरी बड़े के बुरा मानिए भाई साहब। बुरा नहीं मानूंगा अंकल बोल रहा भैया जी। भैया जी सॉरी। छिपकली होती ना छिपकली, कई लोग डरते हैं, नहीं डरना चाहिए वो मददगार होती है। कैसे नहीं जानना मुझे? एक मिनट सुन लो, कई कल को कोई बोलेगा छिपकली से डर लगता है आप उसको ये रीजन दे सकते हो। छिपकली क्या खाती है? मच्छर। मच्छर क्या पीता है? खून। किसका? तेरा। हम सब का खाली मेरा क्यों? तेरा ही पिएगा ना साले, तू दूसरों का पीता तो। सॉरी नहीं तो मच्छर खून पीता है। खून का रंग क्या होता है? लाल। लाल सिग्नल आते ही आदमी क्या करता है? रुक जाता है। जो नहीं रुकता है वो ट्रैफिक ब्रेक रूल ब्रेक करता है और ट्रैफिक रूल ब्रेक करके जो जंप करेगा सिग्नल उसका क्या हो सकता है? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होगा तो अस्पताल में भर्ती होगा भाई साहब। और भर्ती हुआ और फिर अगर उसको खून की जरूरत है और घर पे छिपकली है तो आप समझ रहे हैं खून। साले तेरे पास कोई और नहीं मिला सुबह से? गलत आदमी सुबह सुबह खून 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 कर मच्छरों को बिठा के साले। भाई बात छिपकली की हो रही है, आप मच्छर बोल रहे हो। हाँ तो छिपकली की हो रही तो छिपकली मच्छर को खाती है ना, तू तो घूम फिर के मच्छर पे ही लेके आया। साला सुबह सुबह दिमाग। हेलो कट गया क्या? नहीं भाई साहब कटा तो नहीं है लेकिन मन नहीं हो रहा आपसे बात करने का। मत करना काट जल्दी। कैसे संस्कार पाए हैं आपने? छी संस्कार तूने पाए हैं साले, छिपकली की बात हुई थी मच्छर पे क्यों ले गया? मन तो हो रहा है मुंह पे पटकू फोन पर, ऐसे संस्कार है नहीं मेरे। मन तो हो रहा तेरी लात मारूं साले, पर तू है नहीं सामने।
होता तो तेरे को बताता मैं क्या चीज हूँ। गलत भाई की डू यू लव मी ओ भैया तू आ जा मेरे तेरे नाच ले इतना सुरीला चीची आज से किसी ने नहीं बोला भाई गॉड की कसम 93.5 रेड एफएम बजाते रहे बहुआ बोले अंकिल नमस्ते। हेलो कट गई आवाज। हेलो हेलो अंकिल जी नमस्ते मैं बहुआ बोल रही हूँ 2 मिनट चाहिए ज्यादा समय नहीं लूंगा। कौन बोल रहा है? मैं बहुआ नाम बताया कान में प्रॉब्लम। हेलो हाँ कौन? नमस्ते अंकिल एक सेकंड मेरी बुआ जी पैरी बोना पैरी बोना बेटी पापा ये क्या हो गया तुमने कहाँ फोन मिला लिया? अंकिल एक सेकंड क्या कह रही है? बेटी पापा को रुलाओ नहीं तो पत्थर हो जाएंगे। पापा को तू है कौन बे मुझसे बात कर तूने मुझे फोन मिलाया मुझे होल्ड पे भाई साहब बोलो मैं बहुआ भैया। हाँ क्या हुआ? पापा जी आप रो क्यों नहीं रहे हैं? अभी रोने की क्या बात है दिवाली गुरुवार की ये लोग आज क्यों आ गए? आज बे कौन है बे तू मुझे क्यों फोन कर रहा है? मेरे दादाजी नहीं रहे। अरे सॉरी यार सॉरी शायद तेरा गलत नंबर लग गया यार। भाई साहब आपसे मदद के लिए फोन किया। बढ़िया बताओ क्या मदद चाहिए? दादाजी तो रहे नहीं लेकिन पापा देखो रो नहीं रहे मेरी बुआ कुछ कह रही थी बुआ जी। बेटा बुआ बेटा हाँ बुआ पापा को रुलाओ नहीं तो पत्थर हो जाएंगे। कहती पापा को रुलाओ वरना पत्थर हो जाएंगे। बेटे रात लड़िया नहीं जलाई बाहर तूने? लड़ी देख रहा तू? बेटा ये क्या बात हो रही है पीछे पापा को देख रहा है लड़िया जलाने की बात कर रहा है। अरे भाई ये क्या चल रहा है ये यहाँ पे किसी की डेथ हुई है और तुम क्या है मतलब क्या हो रही है? क्या हो रही है? मेरे पापा रो नहीं रहे। अरे यार तुमने बाप से बात करा? बाप से पापा अंकिल। हाँ बात कराओ बेटा। हेलो हेलो जी भाई साहब। अरे भाई साहब यार आपको ये सच है ये आपको सुनना पड़ेगा आपके घर में आपके पिताजी की डेथ हो गई है और आप लड़ियों की बात कर रहे हैं दिवाली की बात कर रहे हैं। अरे बेटे इस चीज का जवाब दे मेरे फिर आप रोएंगे? हाँ मैं रोऊंगा इसके बाद भाई साहब। हाँ जी भाई साहब सुनना एक मिनट। ऐसी चीज का नाम बताओ जो लाल है और ट्रिन ट्रिन करती है। लाल है और टिरिंग टिरिंग करती है शायद यार ये टेलीफोन ही होगा जो हमें टेलीफोन लाल और टिरिंग टिरिंग तो क्या? गलत गलत है ये भी गलत है। हाँ क्या आंसर है? टमाटर। टमाटर हाँ टमाटर टमाटर ट्रिन ट्रिन कहाँ करता है? बड़े टमाटर लाल होता है ना। हाँ जी तो ट्रिन ट्रिन तो मैंने कंफ्यूज करने के लिए बोला था। बहुत मारूंगा। अरे बाबा डो नहीं रहे भाई साहब। मेरा बाप मारा तो इसमें मैं क्या करूँ? मेरी बात करा। सॉरी एक सेकंड आप डो क्यों नहीं रहे? आखिरी बार हम पूछ रहे हैं। वहाँ से स्टोर से संदूक उठा के ला। संदूक क्या? संदूक में क्या है? हाँ बेटा संदूक में देख दादाजी चले गए। चले गए संदूक छोड़ गए। हाँ जी जब संदूक में पड़ा है सोना तो फिर काहे का रोना? तेरे बाप की सॉरी गंदा हो ये तुझे और तेरे को तीनों घुस के मारूंगा। हेलो मैं बबुआ बात कर रहा था प्राइवेट लिमिटेड से। हाँ जी सुधीर बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी वो पैकेज के लिए बात हुई थी आपसे। हाँ जी तो भिजवा दो वो फोन क्यों कर रहे हैं उसके लिए? एक और छोटा सा प्रोसेस है वी वांट टू फिनिश दैट ऑफ बिटवीन इंग्लिश हिंदी हिंदी सो एक छोटा सा कॉन्टेस्ट है उसको खेल के फिर आप आगे वो पैकेज आप तक पहुँच जाएगा। पहले तो कॉन्टेस्ट की बात नहीं हुई थी आप कहाँ से आ गए? छोटा सा है सिंपल सा है इंटरेस्टिंग सा है गाने सुनते हैं आप? हाँ जी गाने के शब्द पकड़ने सिंपल कॉन्टेस्ट है भाई साहब। ठीक है चलो देख लेते हैं। ठीक है तो ये गाना जैसे मैं आपको सुना रहा हूँ इस गाने में शब्द पकड़ने तरीफा। अच्छा कि कितनी बड़ी तरीफा गाया है गाने वाले ने। अच्छा जी कौन से शब्द? तरीफा तरीफा। अरे शरीफा का भाई तरीफा नहीं तरीफा। अबे तरीफा ही बोल रहा हूँ। सर जी वन काउंट करिए इसे भाई साहब। दो बार तो जब जब वो बोलेगा आप नंबर चिल्लाएंगे वन टू। ठीक है ठीक है। अब अगला गाना है जिसमें आपको सूट काउंट करना है और जब जब वो सूट बोले आप नंबर बोलेंगे। ठीक ठीक है स्टार्ट। सूट सूट कर एक दो दो तीन। अरे सूट सूट दो बार बोल रहे हैं ना भाई पांच हो गया यार आप मतलब एक तेनु सूट सूट करता। हाँ तो ये दो हो गया ना। अच्छा उसको अच्छा अच्छा एक बार वापस वापस काउंट करिए स्टार्ट। तेनु सूट सूट करता एक दो तो मेरे बारे में। हेलो यार तू क्या कर रहा है यार? पैकेज की बात है यार आज ये बात पैकेज की बात है सुबह दिमाग चाट रहा है। सॉरी भाई साहब। अच्छा अब इसमें से डिलीवर काउंट करो कितने बार डिलीवर है। ठीक है बोलेगा चाचा हेलो एक हो गया ना। हाँ तो बोल ना एक अब मन में काउंट कर रहा है मुझे घंटा बता पूरा गाना तो चलाएगा ना। तो तू जब जब डिलीवर बोलेगा तू वन टू ऐसे बोलेगा। ठीक है ठीक है चल
एक मिनट, कहाँ बोला उसने एक? तूने पहले एक बोल तो उसने बोल दिया ना, एक दिलवर हो गया तो एक तुमने हो गया ना। अरे उसने मजे ले रहा है तो साले, जब तुमसे मिलने के बाद पे ही एक बोल दिया, दिलवर तो बोलने दे फाइनल। ठीक है हाँ। एक हाँ। दो हाँ। तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस। अरे रोक भी ले। क्या हुआ? चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है। अरे वो बोली जा रही तुम्हें। सॉरी भाई साहब, फाइनल है। ठीक है, अब फाइनल नहीं हुआ ना साले, फोन में घुस के तेरी लात मार के वापस आ जाऊंगा। नहीं नहीं फाइनल है। इसमें आपको काउंट करना है, पिंक कितनी बारी बोला है। ठीक है, काउंट करिए। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह। घुसेड़ेगा। हेलो, गलत क्यों बोल रहे? नहीं हो रहा तो बोल दीजिए। तो तू गिन ले यार। मैं करता हूँ पिंक वाला, बताऊँ करके? करके दिखला। सुन, काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। गाना तो चला ले, तेरी जा रही है। अरे यार गलत बोल रहे आप, तो अपने नीचे तरफ पैकिंग वैकिंग दे। गलत बोल रहे आप। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकल नमस्ते। हेलो, शायद सो रहे हैं भाई साहब जी। नहीं जी नहीं, रेड हूँ। नहीं सर, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। नमस्ते आपको। हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? आ रही है, बोलिए। कह रहा था एक पूछना था आपसे। हाँ हाँ, सही समय हो गए। अरे जल्दी बोल, थापड़ मारूंगा पे। फोन किया है, काम नहीं। सॉरी, आपकी आवाज धीमे आ रही है, सोते हुए आ रही है जरा सा। हाँ तो सो ही रहा हूँ। आपको एक पूछ रहा था। हाँ। कि अगर अगर क्या? मैं हाँ आपके हाँ सामने, अरे बोल ना, हग दूं तो हाँ प्रॉब्लम तो नहीं होगी अगर मैं आपके सामने हग दूं? उठा के वही तेरे मुंह पे रगड़ दूंगा। गलत आदमी, गले लगाने वाले हग की बात कर रहा था। इंग्लिश में बोलना चाहिए। नहीं, आवाज से औकात का पता चलता है ना। फोन तक बढ़िया। गलत जवाब। चेट, गलत नहीं, चेट। सो जा तू, सो के तू देश के लिए अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है, उठेगा तो खराब करेगा कुछ। फोन तक दिमाग खराब कर रहा। गलत बोल रहा है, हग बोल रहा हूँ तो। गलत आदमी, ची ची बोल रहा है। आप भी पूरे दिन यही चेक करिए आज कि हग दे बोलने पर कितने लोग उल्टा समझते हैं। वी नीड टू चेंज द मेंटालिटी ऑफ द प्यूपिल्स। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हैप्पी हग डे। दिमाग में वही आया आपके भी। ची यार। हेलो अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते। हेलो, हाँ जी जी, मैं बउआ बोल रही हूँ, क्या हाल है जी? हेलो, हाँ जी हेलो। हाँ हेलो, हेलो भाई साहब, एक सेकंड, आवाज कट रही थी। हेलो, जोर से बोलो। हेलो हेलो, बोल तो रहा हूँ यार। हेलो हेलो, और क्या है? लगता है सुनाई नहीं। मैं वापस मिलाता हूँ काट के, वापस में देखते एक बार। और हेलो भाई साहब, जोर से बोलो। अरे दे रहे हो भैया, क्या बोल तो रहा हूँ। हेलो हेलो, आप समझे नहीं भैया? अरे समझ रहा हूँ मैं, जोर से बोलो। कितनी जोर से बोलू? जोर से बोलो। अरे जोर से तो बोलो, तो आवाज वैसे ही पहुँच जाती बिना फोन से। आप समझ नहीं रहे, एक आखिरी बार फिर से मिला रहा हूँ। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, कौन? आपकी आवाज से लग रहा है शायद थोड़े थोड़े नींद में है। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। थोड़ी देर बात कर लेना यार। भाई साहब हेलो। हेलो, कॉल ड्रॉप बड़ा होता है आजकल, हमारा भी हो गया था। अरे यार मैंने कहा था, थोड़ी देर बात कर लेना। थोड़ी देर, भाई साहब, भाई साहब हेलो। हेलो भाई साहब, कॉल ड्रॉप बार बार हो रहा है, मतलब। अबे तूने क्या बोलना। सॉरी, एक मिनट लगेगा ना बोल रहा था मैं, बस ज्यादा नहीं बोल। बहुत हमारा जो नजर है ना, हमारी जो नजरिया है वो बदल चुका है समाज के साथ, प्रदूषण हो गया नजरिए में। हूँ क्या,
हम जो भी सवाल सुनते हैं उसका जवाब सिर्फ एक ही एंगल से देते हैं। अरे तो मेरे से क्या चाहता है यार, मेरा तो नजरिया भी फोन नजर है। एक सेकंड मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि बेटे ने माँ को फोन पे बोला मम्मी हम 2 से 3 हो गए, अच्छा तो इसका क्या मतलब हो सकता है? अरे उसके बच्चा हुआ होगा और क्या हो सकता है? नहीं, इसका मतलब ये है कि उसकी बीवी दूसरे आदमी के साथ भग गई, तो 3 हो गए ना। एक सेकंड रुकिए, जब अमेरिका में लाइट जाती है तो वो लोग पावर ऑफिस में फोन करते हैं, जापान में जब जाती है तो फ्यूज चेक करते हैं, इंडिया में जाती है तो इंडिया में भी तो बाहर फोन करते हैं, फोन नहीं करते, वो बाहर जाके देखते हैं कि सबकी गई है या नहीं गई है लाइट। अरे भाई। एक बार एक लड़के से मैंने पूछा कि तुम टूथपेस्ट कौन सा यूज करते हो? अच्छा। कहता है बजरंग का। अच्छा। मैंने कहा टूथब्रश? कहते हैं वो भी बजरंग का। हाँ। मैंने कहा फेस वॉश? कहते हैं वो भी बजरंग का। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अरे कोई होगा यार नया ब्रांड। ब्रांड नहीं, उसका रूममेट था बजरंग, उसी का यूज करता था। गलत मत बोलिए। रुक जा मेरी बात सुन। हाँ जी। तेरी शादी हो गई? शादी नहीं हो गई। कि वो कौन सी चीज है जो पति की हो सकती है लेकिन पत्नी की नहीं हो सकती? पति की हो सकती है पत्नी की? अच्छा, पति का पता नहीं, आप ही बता दो। गलती ओ मैं हेलो हेलो हाँ कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। पहले तो मैं अंकल नहीं हूँ, तमीज से बोल। सॉरी, माफी दे दो भाई साहब। भाई साहब बोल सकता हूँ? हाँ बोलो। हाँ क्यों बोलूँ, आपने प्रपोज किया है, हाँ बोलूँ? फोन क्यों किया ये बता। सॉरी, इंसान अपनी इच्छाएं बहुत बदलता है भाई साहब। कभी धूप है तो बरसात चाहिए, कभी बरसात है तो फिर ठंडी चाहिए, कभी ठंडी है तो गर्मी चाहिए। तो तुझे क्या प्रॉब्लम है इससे? मेरे 2 दोस्तों को प्रॉब्लम हो गई इससे, वही डिस्कस कर रहा था मैं, सोचा कई लोगों को फोन लगाया, आपका लग गया, 2 मिनट चाहिए। अब मेरे 2 दोस्त भाई साहब, सुबह सुबह काम का टाइम है, तो दिमाग खराब भाई कर रहा। सुन तो लो, वो 2 दोस्त बैठे रहते थे, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी अभी कुछ दिन पहले। हाँ। तो गर्मी थी, वो कह रहे थे यार बरसात चाहिए, बरसात हो गई। अब बरसात इतनी हो गई कि सारे कपड़े गीले, उनके कच्चे गीले, अब कच्चे सूखने का नाम नहीं ले रहे। अब तो तू मुझे क्यों बता रहा है वो बात? सुनिए, इच्छाएं बदलने से नुकसान क्या है वो बता रहा हूँ। अब कच्चे सूख नहीं रहे तो उन लोगों ने प्रे किया कि खूब कड़क धूप हो जाए, खूब कड़क धूप हो जाए, कच्चे सूख जाए, फिर अचानक धूप आ गई भाई साहब, और फिर कच्चे इतने ज्यादा कड़क हो गए, नुकीले हो गए, उस पे रखे थे उनने जीने पे सूखने को, जो लोहे के जीने होते ना भाई साहब, सरिया, तो उस पे सूख के कच्चे कड़क हो गए, नुकीले हो गए, फिर एक बंदे ने दूसरे बंदे को कच्चा फेंक के मारा, उसके खून निकल गया, पुलिस आ गई, और पुलिस बकवास कर जा रहा है। कच्चा नुकीला था, धंस गया, खून निकला, पुलिस आई, लेकिन पुलिस के आने से पहले बरसात हुआ, फिर वो कच्चा सूख गया और फिर मेल्ट हो गया, एकदम मॉइस्चर हो गया उसमें, फिर पुलिस को बोला इस कच्चे से मारा मुझे, खून निकला, पुलिस बोली ये तो कच्चा गीला, इससे कैसे खून निकलेगा। अब पुलिस 6 दिन से उनके घर बैठी है कि धूप निकले, कच्चा कड़क हो, जिससे सबूत बने तो फिर इल्जाम लगे। अब तो सारे मुझे क्यों बता रहा है ये बात जाके।